तान के साथ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान का रविवार को 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया। कोरोना से संक्रमित चौहान गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। चौहान पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वह गुरुग्राम के अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। चेतन चौहान के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा राजनीति और क्रिकेट में उनका योगदान अहम, उन्होंने हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चेतन चौहान के निधन पर व्यक्त किया दुख। उन्होंने कहा अपने योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे चेतन चौहान। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के चेतन चौहान के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि आज देश ने एक सफल राजनेता और क्रिकेटर को खो दिया, उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। चेतन चौहान के निधन पर गृहमंत्री ने जताया दुख। कहा चेतन चौहान के असामयिक निधन की खबर बेहद दुखद, अपनी सेवा भावना के लिए सदैव याद किए जाएंगे। टीम इंडिया में चेतन चौहान का योगदान है अहम। सीएम योगी ने चेतन चौहान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री चेतन चौहान के समय का निधन का व्यतीत कर देने वाला समाचार प्राप्त हुआ। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम श्री चौहान जी के परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। केशव मौर्य ने भी कहा कि चेतन जी के रूप में हमने दूसरा साथी खोया, चेतन जी की पूर्ति आने वाले कई सालों में नहीं हो सकती। चेतन चौहान के निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जताया दुख। कहा चेतन चौहान के असामयिक निधन की खबर बेहद दुखद, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। चेतन चौहान के निधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख। कहा चेतन चौहान के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ, परिवार के प्रति गहरी संवेदना। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने भी चेतन चौहान के निधन पर दुख व्यक्त किया और क्रिकेट जगत के लिए इसे दुखद खबर बताया। चेतन चौहान के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने जताया दुख। चेतन चौहान की आत्मा को शांति मिले, चेतन चौहान के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ, चेतन चौहान ने हमेशा आपको उत्साहित किया। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को भदोही पुलिस सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीजीएम ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया। इससे पहले गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक का कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली मीटर स्मार्ट क्या है, जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटरों में गलत कमांड ने लाखों घरों को अंधेरे में रखा। खबरों के अनुसार इन स्मार्ट मीटरों की वजह से बहुतों के बिल चार गुना आए हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज में पंचायत के दौरान पिता पुत्र की हत्या, पंचायत में चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, मामले की नहीं हुई पुलिस को जानकारी, एसपी ने दरोगा और सिपाही को किया निलंबित। बसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि सभी समाजवादी एक साथ हैं, साथ ही कहा जो जनता की राय होगी वही किया जाएगा, अगर समझौता नहीं हुआ तो 2022 में हम चुनाव लड़ेंगे। रामपुर सपा सांसद आजम खान को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में शिकायत के बाद अपर गृह सचिव ने लिया संज्ञान। महानिदेशक कारागार विभाग लखनऊ के दिए इकाई जांच के आदेश, आईजी कारागार संजीव त्रिपाठी करेंगे मामले की जांच। लखनऊ में मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का ट्वीट। कहा मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत से समाज शर्मसार, बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं। लखीमपुर खीरी में 12 साल की किशोरी का शव खेत में बरामद हुआ। दरिंदों ने किशोरी की गला दबाकर हत्या की। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी संतोष यादव संजय गौतम को किया गिरफ्तार।
लखीमपुर खीरी की घटना खबर, मायावती का ट्वीट, कहा रेप के बाद किशोरी के निशवन सत्य आते दुखद, सपा और वर्तमान बीजेपी सरकार में क्या अंतर रहा, सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। लखीमपुर खीरी की घटना पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या, इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना आई सामने। साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी काल में बच्चियों का उत्पीड़न चरम पर है, भाजपा सरकार प्रश्नकारी क्यों बन रही है। देश में 6 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, जबकि 19,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर, 24 घंटे में 960 लोगों की हुई मौत, देश में 26,47,000 के पार हो चुके हैं कोरोना संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,357 नए मरीज आए सामने, कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,54,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 56 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, अपना भाव पसार रहा है, पिछले 24 घंटे में 253 नए मामले आए सामने, प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार हो चुकी है।